वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। अभी मैं हूँ पुणे से, मुंबई से पुणे के रास्ते में, पहाड़ी वाला पूरा रास्ता है, कोंकण में है ये पूरा। और जो खाने पीने की दुकान चल रही है वही वड़ा पाव वाली और वो सब है। तो अभी यहाँ पे पूरे पहाड़ पार करने के बाद आएगा मेरा, ये देखो पीछे दिखा रहे हैं माउंटेन सिंह माउंटेन, इसके बाद दिखाई देगा, इसके बाद आएगा पुणे, उसके बाद हम जाएंगे गोवा पहुँचेंगे। तो मैंने आज मुंबई से शुरू कर दिया और मैं सोच रहा था कि होस्ट के साथ जब निकल रहा हूँ तब मैं शुरू करूँ, लेकिन अब मैं फाइनली शुरू कर रहा हूँ यहाँ से व्लॉग्स। वैसे मेरा ज़्यादा मन कर नहीं रहा था, लेकिन ये माउंटेन्स देख के मेरा रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा शुरू कर ही देता हूँ और वड़ा पाव भी दिखाते हैं आपको। चलो शुरू करते हैं। ये देखो अभी जो आपने आवाज़ सुनी थी वो बिना माइक के थी, अब मैंने माइक लगा लिया तो देखो कितनी क्लैरिटी आ रही होगी। ये वाला रास्ता है भाई, यहाँ से आया हूँ मैं और मेरे को जाना है इस तरफ पुणे की तरफ। बादल ही बादल हो रहे हैं और शाम को तो बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है यहाँ पे। जूम करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे शायद। ये देखो लेंस चेंज करना पड़ता है इसमें। ये देखो भाई यहाँ पे आ गया अपना वड़ा पाव, चटनी वड़ा पाव। वाह, वैसे तो मैं डोसा वगैरह खा के आया था पर ये कोंकण के जो वड़ा पाव ना ये बड़े फेमस हैं। ये देखो ऐसे दिखाई देते हैं ये, और ये भाई लोगों ने हमको लिफ्ट दिए। सबसे पहले किसने देखा था मुझे? तीनों ने एक साथ। अच्छा आप जा रहे हो कहाँ पे अभी? माथेरान। अच्छा ये माथेरान जा रहे हैं, तो इन्होंने मेरे को जहाँ तक लिफ्ट बनती है साथ में हम जाएंगे, उसके बाद ये अलग माथेरान की तरफ चले जाएंगे। चलो एक मैं जरा सा टेस्ट करूंगा। कौन सा? तोड़ो जरा। ये देखो भाई यहाँ का वड़ा पाव, लो तोड़ो ना। हाँ ये आ गया भाई वड़ा पाव यहाँ का। मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने पीछे ही खाया था इसलिए मन नहीं कर रहा, वरना सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है, गर्म एकदम मजा आ गया। ये देखो भाई पहले पॉसिबल नहीं था ऐसे टू व्हीलर पे व्लॉगिंग करना, लेकिन अब मैंने माइक को ऐसे हाथ में पकड़ रखा है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और आपको सुनाई भी देगा। और विंड ब्लास्ट बोलते हैं उसे, विंड ब्लास्ट माने जब हवा चलती है टू व्हीलर पे बैठते हैं तो माइक के अंदर, जैसे फोन का अगर ये माइक नहीं होता तो विंड इसके अंदर लगती है तो बहुत चर पर मतलब आवाज़ ठीक से नहीं आती। लेकिन अभी आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी क्योंकि मैंने हवा को ब्लॉक कर रखा है अपने हाथ से और माइक को पकड़ रखा है अपने हाथ में, तो पता नहीं अभी भी कैसी आ रही होगी, मुझे पता नहीं, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ ये, तो बस और विंड ब्लास्ट आएगा नहीं क्योंकि मैंने हाथ से ऐसे कवर कर रखा है। और ये देखो ये माइक है, माइक जब मैंने ऐसे किया होगा तो हवा की आवाज विंड ब्लास्ट आया होगा। देखो अब विंड ब्लास्ट आएगा, देखो शायद मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं, पर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ ऐसे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ये तीन लोग हैं जो माथेरान की तरफ जा रहे हैं और ये दो भाई चल रहे हैं साथ में, तो ये तीनों जा रहे हैं माथेरान की तरफ, मैं उतर जाऊंगा जो भी रास्ते में आएगा। और पीछे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ चल रही है, मैं पीछे कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता देखो जरा यार, बारिश वारिश का मौसम है, फुल ग्रीनरी और कभी कभी तो बहुत सुंदर पहाड़ भी आ रहे हैं। ये देखो पीछे पहाड़ की वो दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र में भी भाई। पुणे के लिए ये जाएगा ना आपका, इधर जाएगा। ओके थैंक यू, बाय बाय। ये माथेरान की तरफ मुड़ रहे हैं और मैं जाऊंगा करजत की तरफ। ओके बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। ये लोग मुड़ गए। ओके दोबारा से लिफ्ट लूंगा, अब देखते हैं करजत कितनी देर में आता है। लगा रखा है ना मैंने माइक, माइक लगा के सही आवाज आती है भाई। चलो बोर्ड निकाल लेता हूँ, लिफ्ट मांगते भाई इतने ग्रीन पहाड़, और ये तो 0.5x पे अभी शूट कर रहा हूँ मैं, 1x पे और ज्यादा बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन उसमें मैं मेरा फ्रेमिंग कट जाता है क्योंकि मैं ट्राईपॉड से शूट नहीं कर रहा, अभी हाथ में पकड़ के शूट कर रहा हूँ ना, तो ये जो पीछे का वाओ मैं टू व्हीलर पे चल रहा हूँ ना तो बड़ा ही मजा आ रहा है यार, मतलब हवा लग रही है ठंडी ठंडी, ऐसे भी पैदल चलने में बड़ा मजा आ रहा है।
मेरे को अपने बहुत पुराने दिन याद आ गए जब महाराष्ट्र को ही मैं कर रहा था और ऐसे ही मौसम में कर रहा था। एक मिनट, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र कवर कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था और तब मेरे पास ये माइक नहीं था। सोचो के मतलब 4 साल व्लॉगिंग के निकाल दिया और पता ही नहीं कि माइक से कितना डिफरेंस आता है। माइक मैंने लगा रखा है, अब सही लग रहा है मेरे को शूटिंग करने में, वरना मेरी आवाज़ बहुत तेज बोलना पड़ता था मुझे और कई मूवमेंट्स ऐसे होते थे मैं बिना माइक के कैप्चर ही नहीं कर सकता उन्हें, क्योंकि एंगल ही नहीं बैठेगा या फिर वॉइस नहीं जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अब तो मैं यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मतलब कि जैसे अपने वीडियोस हैं उनको बोलने के लिए वहाँ पे बैठ के मस्त। सोच रहा हूँ मैं एक वीडियो बना ही लेता हूँ क्या। ओके हाँ, आइडिया तो अच्छा है यार वैसे, पर बैटरी ख़त्म हो जाएगी यार जल्दी। हाँ मेरे पास इसका पावर बैंक नहीं है, वरना वही करता मैं। कोई बात नहीं, मैं पहले पुणे पहुँच जाता हूँ, फिर वहाँ पर रिचार्ज कर लूँगा, वहाँ पे पॉडकास्ट या लाइव करूँगा आज। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना, और इसके भी लाइव सेशंस ओल्ड पुराने अवेलेबल हैं तो वो लाइव सेशंस भी देख सकते हो, उसमें जानकारी काफ़ी आपको मिलेगी, और इंस्टाग्राम के लाइव सेशन से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। पीछे देखो यार, वो झरना भी दिखाई दे रहा है, वो माथेरान वाला रास्ता उधर से कट गया तो वो ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वो वहीं की हैं, पहाड़ियाँ माथेरान की। मेरा हाथ थक गया, बाय बाय। मैं यहाँ पे ट्राईपॉड लगा के शूटिंग कर रहा था, ये देखो ट्राईपॉड, लंबा वाला ट्राईपॉड लगा के शूट कर रहा था, मेरा बोर्ड भारत यात्रा का उड़ के नीचे पहाड़ी के नीचे चला गया। तो अभी एक ट्रैफिक वाले भैया ने वो रख तो लिया है और मेरे को अब लेने जाना, नीचे उतरूंगा कैसे, लेकिन ट्रैफिक वाले भैया नहीं है वो, ट्रक में किसी ने वो ट्रैफिक संभाल रहे थे शायद। अब मैं पहाड़ के नीचे से कैसे उतरूंगा, उसे लेने जाऊंगा समझ नहीं आ रहा है। वो बोले यहाँ से देखो आप उतर सकते हो क्या। ओह हो, पहाड़ के नीचे उतरना पड़ेगा भाई, चलो करना पड़ेगा भाई, भारत यात्रा का बोर्ड है ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। ये देखो इसके ऊपर था मैं फ्लाईओवर और इसके नीचे यहाँ पे गिर गया वो। तो एक ये क्रेन वाले भैया हैं शायद, ये काम कर रहे थे, इनको मैंने बोला मेरा बोर्ड उठा लो, क्योंकि गाड़ियाँ उसके ऊपर से जा रही थी, 2-4 गाड़ियाँ भी चली गई उसके ऊपर से। तो देखते हैं इन्होंने मेरा रखा है क्या। थैंक यू। ऐसे उधर से पैदल चल गए, उधर से उतर गए, इधर से चढ़ जाऊँगा ना, जाएंगे ना, हाँ चढ़ जाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय। ये अंकल ने मेरा बोर्ड बचा लिया आज, थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पे गिर गया था ऊपर से, यहाँ पे गिर गया था। वाह, वैसे तो मैंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए रख रखा है अपने साथ, पर मैं एक को भी कैसे खोदूँ यार, इसकी वजह से ही तो सब होता है, ये तो सबसे ज़रूरी है। लेकिन हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है ना, तो उड़ गया हवा से, वो वीडियो आपने देख ही लिया होगा। पर लेकिन यार मज़े हैं लाइफ, यही एडवेंचर है। आप लोग पूछते हो ना कैसे मुश्किलें वगैरह आती हैं, ऐसे तो कुछ नहीं है खास मुश्किलें वगैरह, पर ये बड़ा मज़ेदार है, पहाड़ी के ऊपर से गिर गया उसे बचाने जा रहे हैं। आइयो, अब मैं भी गिर सकता हूँ, वैसे तो जूते फिसलन वाले हैं ये, पर मैं मैनेज कर लूँगा। चढ़ गया ऊपर, वाह। यहाँ पे एक दो शॉट और लेने थे मुझे, मैं वो ले लेता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। बच गया, लेके आ गया वापस। चलो अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाय बाय। मैंने इससे पहले आपको माइक के साथ सुनाया था, बिना माइक की आवाज़ सुनो कितना आसपास का शोर आ रहा होगा आपको। अभी ये बहुत ही सुंदर एक सड़क से मैं जा रहा हूँ, ये देखो क्या है यार, ये जन्नत है। बरसात में महाराष्ट्र के कुछ इलाके जन्नत दिखाई देते हैं भाई साहब, मतलब कैसे घर में बैठ लेते हो तुम लोग,
गाली बकने मन करता है तुमने। अरे ये तो रोड यहीं पे मिल गया वापस। मैं अभी वो लेने गया था ना ये, तो जो नीचे रोड पे उतरा था ये घूम के इसी में मिल गया, दोबारा रोड पे ये आ गया। क्या बोले, भविष्य में आके तो पता चल ही जाता है कि पास्ट में गलती करी थी, लेकिन उसका कैसे कोई बात नहीं, गलतियां कर कर के ही तो यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे कैसे भाई, गलतियों से डरना क्या है, गलतियां करेंगे हजार करेंगे। उससे घूम के मैं इसी पे आ गया, ये देखो ऊपर मैं था ना, अभी वहाँ पे ऊपर था मैं, अभी घूम के इसी पे आ गया। अब देखता हूँ यहाँ से मुझे मिलती है कि ये तो टैक्सी है। अच्छा हाँ, थोड़ी और आगे चला जाऊँगा तो ये वाली गाड़ी में भी आ जाएंगी लपेटे में, पीछे देख। वही लोनावला से भाई साहब ने लिफ्ट दे दी थी मेरे को, जहाँ पे मेरा बोर्ड अभी गिरा था ना वहीं से भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दे दी थी, लोनावला से मुंबई तक, पुणे तक ये जा रहे हैं। और मैं चला था आज मुंबई से, भाई साहब भी चले थे बदलापुर से, बदलापुर हमारे भी रास्ते में आया था आज। तो ये पूरा रास्ता बहुत ईजी रहा मेरे लिए, और क्योंकि ग्रीन और जो हवा एकदम बहुत, मेरे को मतलब थकान लगी नहीं, वरना मैं अगर इस टाइम पे अगर करते बाहर की साइड जहाँ पे पहाड़ी वगैरह नहीं होती तो थकान हो जाती है भाई एक ही दिन में थकान। लेकिन आज थकान इतनी ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि फ्रेश लग रहा है चारों तरफ और नज़ारे एकदम अच्छे आ रहे हैं। तो रील वगैरह भी मेरी बहुत अच्छी बनी है, इंस्टाग्राम पे जाके देखना ज़रूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू इंस्टा पे भी, बट क्या लॉन्ग वीडियो जो भी है वो लोग यूट्यूब पे ही देखना प्रेफर करते हैं। हाँ वो तो उसमें ही देखनी पड़ेगी। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। मैं हूं अभी पुणे में, और पुणे में मैं अविनाश जी के पास रुका हूं। वैसे अविनाश जी से मेरा संपर्क हुआ था किसके थ्रू, नीरज जी के थ्रू हुआ था, वही मेरे को होस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को इनका नंबर दिया था, ये यहां पे अवेलेबल है। अभी नीरज जी तो गए हुए हैं, शायद इंडोनेशिया गए हुए हैं वो, तो अभी मैं यहाँ पे 3-4 घंटे पहले पहुँच गया था, और यहाँ से अभी हम ऐसे आसपास घूमने जा रहे हैं। ये कौन सा इलाका है, ये खड़कवास, खड़कवास, ये खड़कवास लगा। हाँ, शेगर सोस्टी। एंड तुम्हें मराठी आए, मराठी, ये मराठी हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे सिविल सिविल का काम देखते हैं। और ये देखो पूरा ग्रीनरी चारों तरफ, और ये वाला रोड आगे जाके मेन वाला रोड, ये ऊपर कहाँ जाता है, ये सिंहगढ़ रोड, खड़कवासला से सिंहगढ़ जाता है। हाँ के लिए वो जो मूवी शूट हुई थी उधर था ना जी। हाँ अच्छा, ये देखो भाई ग्रीनरी चारों तरफ। तो हम ऐसे ही थोड़ा शाम को घूमने जा रहे हैं, तो सोचा कुछ ज्ञान की भी बात करेंगे भैया से भी, और आप लोगों को भी दिखा देंगे थोड़ा सा इधर उधर का, तो मैंने शुरू कर दिया। चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि अभी मैं जैसे आया हूँ यहाँ पे, तो मैं कहाँ कहाँ से आया हूँ। मैं जीरो बजट में पूरा दिल्ली से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी इनका कॉल आ गया है, माइक लगा हुआ है, तो मैं काट देता हूँ अभी। ये देखो आपको इनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हेलो काट देता हूँ मैं, माइक लगा हुआ है इनके। हेलो, ये देखो यहाँ पे कोई नदी सी दिखाई दे रही है। ये नदी क्या है, ये नदी मोटा रिवर या। अच्छा आगे जो दिख रहा है वो खड़कवासला डैम का हॉल है। खड़कवासला डैम या टोटल, ये जो पहाड़ी से जो आ रहे हैं कितने डैम है टोटल, चार पाँच डैम है। रसगांव है, टेमगढ़ है। अच्छा उसके नीचे लास्ट वाला है खड़कवासला। और वो पानी की स्टोरेज के लिए ना ऐसे सीरीज में डैम बने होते हैं, ऊपर एक फिर उसके नीचे एक, ऐसे जैसे कि हमारे नैनीताल में बहुत सारे जो लेक बने हुए हैं ना वो वही है।
कि यहाँ पे पानी स्टोर किया, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे नीचे करके ऐसे करके यहाँ पे हमें अभी कहाँ जाना है, यही गार्डन में जा रहे थे। स्विमिंग पूल अभी चालू है, उसका रिनोवेशन चल रहा है। अच्छा, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। अभी मैं जा रहा हूँ पुणे से लेके सतारा की ओर। तो ये चाय के लिए भाई साहब ने रोकी थी, इन्होंने मेरे को 10-15 किलोमीटर की लिफ्ट दिया और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सतारा की ओर। जब मैं चला था तो 440 था, तो अभी यहाँ से लगभग 410 किलोमीटर बचा है सतारा। और सुबह की पहली चाय, ये पुणे सिटी है। ये पुणे वाले लोग कहते होंगे कौन सी जगह है, मेरे को नहीं पता, मैं बस चलता जाता हूँ, मेरे को जो रास्ता दिखता है। ये वाले ऑफिस में आए हैं, ये जो जॉब करते हैं, तो इन्होंने मेरे को अपने ऑफिस के बाहर ही चाय पिलाया। फ्री की जिंदगी। चले शुरू करते हैं। आज की डेट है 12 जुलाई, और मतलब मैं ऐसे इतने ट्रैफिक में भी शूट कर रहा हूँ ना, आपको आवाज़ ठीक आ रही है, ये इस माइक की वजह से है। तो माइक मैं सबको सजेस्ट करूँगा, जो जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं या रोड पे ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए बहुत ज़रूरी है माइक। हालांकि इसका जो रिसीवर वगैरह लगा रहता है ना फ़ोन में, बहुत केयर करना पड़ता है भाई उसका, क्योंकि जब माइक नहीं तार रिसीवर नहीं लगा रहता है इसके अंदर, तो माइक मोबाइल को मैं ऐसे ही स्लाइड कर देता हूँ पॉकेट के अंदर। लेकिन अभी थोड़ा सा उसकी हाइट भी बढ़ गई है, क्योंकि आईफोन का भी पहले जैक लगाना पड़ता है, आईफोन के ऊपर सी टाइप वाला जैक होता है। तो मोबाइल की हाइट पहले ये प्रो मैक्स है, या प्रो मैक्स, ये जो प्रो मैक्स फ़ोन होते हैं ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। आईफोन प्रो मैक्स साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, ऊपर से फिर माइक इसको इसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो केयर करना पड़ता है भाई इसको बहुत ज़्यादा। अब मैं यहाँ से लिफ्ट लेता हूँ, मेरे को लग रहा है मेरे को सतारा पहुँचना है, अगर पुणे के मेन हाईवे तक तो उसके बाद सतारा वाला हाईवे पे तो मिल ही जाएगी। चलो भाई, 9 बजे हमने दूसरा स्टॉप लिया है, ये मुझे खंडाला तक लिफ्ट मिल गई है। खंडाला ये खोपोली वाला नहीं है, ये दूसरा वाला आता है, सतारा के पास आता है। मैं टी शर्ट चेंज करके आता हूँ, नहीं मैं बैग ही लेके चलता हूँ, कोई बात, मैं ये बैग लेके ही चलता हूँ, मैं अंदर ही कर लूँगा, बारिश आ रही है। हाँ, मैंने ये थोड़ा सा रिचार्ज पे लगा दिया था फ़ोन, मैक्सेफ होता है गाड़ी में आजकल, चाय पीने के लिए रुके हैं हम 9 बजे के करीब। ये हाईवे है ये पूरा, ये बस भी आ रखी है डबल डेकर पीछे, तो आओ यहाँ पे बैठेंगे। कहाँ पे बैठने का है क्या, यहाँ पे बैठने का है कहीं पे क्या बैठने का है ना, अंदर चाय पीने का तो अंदर बैठ जाए, अंदर अंदर है, तो अंदर चलेंगे हम, अंदर सिगरेट ले रहा हूँ। अच्छा, सिगरेट ले रहा हूँ, मुझे लगा रहा है ये कौन सा चाय चाय दे रहे हैं। यहाँ पे अंदर बैठने का है, वहाँ पे मैं टी शर्ट भी चेंज करूँगा, यहीं पे कर लेता हूँ यार टी शर्ट चेंज। तो ये भाई साहब ने हमको सुबह की पहली लिफ्ट दी थी हाईवे के ऊपर, जो सबसे पहली थी। इससे पहले मैं सिटी के अंदर था, तो वहाँ से भी 3 लिफ्ट लेके मैं हाईवे तक पहुँचा। उसके बाद पहली लिफ्ट भाई साहब ने दी, जो कि लगभग कितने किलोमीटर की आपने लिफ्ट दी होगी, 50 किलोमीटर की लगभग लिफ्ट दी है, और ये मेरे को खंडाला के आसपास उतार देंगे। ये खंडाला जो है खोपोली वाला नहीं है, जो दिल्ली और मुंबई और जो पुणे के बीच में आता है, मुंबई पुणे के बीच में जो खंडाला आता है, वो जो फेमस वाला है, जो आती क्या खंडाला, वो जो गाना है वो वाला दूसरा खंडाला है, ये दूसरा खंडाला है। ये वाला छोटा होगा ना यहाँ पे, छोटा है वैसे, ये पारागाव खंडाला बोलते हैं इसको। किस कौन सा पारागाव खंडाला, पारागाव खंडाला बोलते हैं, और उसको खोपोली खंडाला। तो मेरे रास्ते में दिखा रहा, मैं बोला यार खंडाला, ये दोबारा से खंडाला कैसे आ गया, खंडाला तो पीछे है। तो ये दूसरा वाला है, ऐसे ही अलग अलग बहुत सारी लोकेशंस होती है जो दो लोग दो जगह में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे श्रीनगर जो है ना, श्रीनगर हम सोचते थे कि जम्मू कश्मीर में है, लेकिन फिर उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है। yes. आपने आपको पता है उत्तराखंड? हाँ, तो वैसे ही अगर जैसे एकदम से आता है तो हम सोचते हैं यार ये मतलब क्या है। जैसे जयपुर मैंने पहली बार सुना, तो जयपुर कहाँ पे आप बताओ? राजस्थान। सिर्फ वहाँ पे रहेगा? हाँ, ऐसे ही करके एक छत्तीसगढ़ में भी जयपुर है। या, राइट, पर उसे जयपुर बोलते हैं वो, शायद जयपुर, तो हम बोलने में जयपुर सुनाई देता है, तो हम सोचते हैं कि वो वाला जयपुर है, उसे जयपुर बोलते हैं। और वो इस मौसम में ना, जो बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा दिखाई देता है वो भी, तो झरने वरने चलते हैं। इस वक्त अगर आपको ट्रैवल करना है ना भाई, मानसून में ट्रैवल करो, आपको ये वाले इलाके बहुत अच्छे दिखाई देंगे, महाराष्ट्र राजस्थान ये इधर के जो है। लेकिन पहाड़ों में मत जाओ इस वक्त, बारिश में ना पहाड़ों में थोड़ा सा रिस्की रहता है, इसीलिए मैंने ये वाला बोला।
मेरा मैक्सिमम भी चार्ज हो जाएगा यार, मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ। 10-12 किलोमीटर और बचा है भाई साहब के साथ, तो मैं थोड़ा और चार्ज हो जाएगा मेरा, क्योंकि इसका मेरे पास चार्जर थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इसको ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा वो करना पड़ता है। और जो मेरा रेडमी वाला पावर बैंक है उससे ये रिचार्ज नहीं होता है फ़ोन, तो बहुत प्रॉब्लम है यार। चलो फ़ोन आ रहा है इनका, बाय बाय। ये देखो ये भाई साहब ने हमको लिफ्ट दी थी, और हमको देखो कौन मिली है। हाय, खुश हो गई तरह से, उसको पता नहीं था कि गाड़ी क्यों रुकी है, तो हमने रोकी है तो देख के पीछे की डिक्की खोलना, इसके बैग पीछे डाल देता हूँ मैं। ठीक है उन्होंने कितने किलोमीटर दी, लंबी लिफ्ट दी है उन्होंने तुमको? बैठो उधर से, बैठो उधर से, उधर से। हेलो, इन्होंने आपको देखा हुआ था तो मैंने बोला चलो आगे ही है वो, रुकवा लेता हूँ उसको। नमस्ते, कहाँ से हो आप लोग? मुंबई। अच्छा, बैठ देगा। सरस्वती अपनी यहाँ पे पूरी पुरानी अपनी एक स्टोरी बता रही है, और हम के यहाँ पे अभी ये वॉशिंग के लिए, कार वॉश के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो थोड़ी गंदी हो जाती है। देखो गाड़ी यहाँ से भी गंदी है, थोड़ी गंदी हो गई है। वाह, क्या मौसम हो रहा है यार, मौसम एक नंबर हो रहा है, मज़ा आ गया। सरस्वती भी आ गई है, अब हम जा रहे हैं गोवा की तरफ। वाह यार। लेंस के हो? देखो ना पीछे, देखो देखेंगे सब पीछे, देखो ना, मैं पीछे नहीं है। आप नहीं देखो, आप आगे देखो। अब फैमिली चढ़ा बस में, जैसे सामने बस जा रही है ना, एक फैमिली चढ़ी वहाँ से। अगर वीकडेज में आप वो रोड करोगे ना, आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, सही मस्त जाओगे। जो मैं बोल रही हूँ, हाँ वीकडेज में जाओ। और सीधा चले गए पुलिस स्टेशन। सरेंडर बोल दिया सर, मैं गाड़ी से कूद गया, मेरा इतना हाइपर कर दिया था ये लोगों ने कि मैं खुद गया। बट उसने बोला, उसने ये पर्पस नहीं किया, उसने बोला मैं परेशान हो गया था, मैं कूद गया गाड़ी से, नहीं तो ये लोग सब पागल ही थे। 30-40 लोग, बाकी लेकिन जो जो लोग थे वो बेचारे ऐसे चले, ये हकीकत है। ये एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ पे जाना, ये देखो भाई हम खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, तो इन दोनों ने एक एक थाली मंगाई है, और सॉरी कर देना। ये देखो भाई यहाँ पे हमने खाना मंगाया, और थाली में हमारे ये क्या क्या आया है, क्यों तेरे को पता है? सरस्वती तो मराठी है ना, तमिलनाडु है, इंडियन हूँ, तमिल है, पर थोड़ा बता ना ये क्या दिख रहा है? ये तो पराठे दिख रहा है, खीरा सलाद, ये समझ चपाती में है, पापड़ है, और ये पकोड़े हैं, और ये सब्जियां हैं, और ये दाल है। सब्जी कौन सी है? मटर मटर। अच्छा, ये मटर की सब्जी। ओके, ये झुनका है, ये थाली, इसको कौन सी थाली बोलते हैं? कुंकन क्या है? ये शाकाहारी थाली है, शाकाहारी थाली। अच्छा, ये वेज थाली है भाई। ओके, और ये दही छाछ। चलो भाई आखिरी ब्रेक चाय के लिए, मजा आ गया यार कोंकण बेल्ट में पूरा सफर करते हुए। बारिश ही बारिश है हर तरफ, अभी भी बारिश ही हो रही है, पर ग्रीनरी देखो कितनी ज्यादा है, एकदम ग्रीन। ओहो, अंदर जो घाट से रास्ता था मजा ही आ गया। अभी हमने रोके हैं यहाँ पे आखिरी चाय के ब्रेक के लिए। ये देखो ये रास्ता है, ये चाय की दुकान है, तो यहाँ पे चाय पी के फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो ये देखो ये गाड़ी में शिव भैया ने हमें लिफ्ट दी थी, अब ये जा रहे हैं गोवा की तरफ, और हमको ले ये भाई लेने आया है यहाँ पे। ये कौन सी जगह है? बांदा। बांदा, अच्छा, सावंतवाड़ी के आगे बांदा, सावंतवाड़ी के आगे, इधर से आगे 5, इधर से 4 किलोमीटर से गोवा स्टार्ट होता है। हाँ अच्छा, बॉर्डर पे हम। अच्छा, ये बॉर्डर पे आ गए हम, देखो रात भी होने से पहले ही आ गए हम, और ये भाई यहीं पे रहते हैं, पुणे से हैं वैसे। हाँ,
हाँ मेरा पुणे के पास में ही। अच्छा ओके सही है। अभी बारिश हो रही है तो 5-10 मिनट रुके हम फिर। इतना दिन पिछले हफ्ते में शिफ्ट हो गए इधर क्योंकि बारिश में क्या हमारा उधर पूरा पानी भर गया। हाँ ना इधर इधर के खेत में इधर से 10 किलोमीटर की ओर हमारा खेत खेत है उधर ही पास में घर लिया था हमने। तो क्या है जामुन का पेड़ वगैरह था उधर वो गिरने का बहुत डर लगने लगा इसलिए हम वापस इधर आ गए बांदा में शिफ्ट हो गए। अच्छा अभी हम महाराष्ट्र में ही है वैसे। हाँ अभी महाराष्ट्र में। इसका इंग्लिश नाम पता नहीं मुझे। चलो भाई आज के होस्ट के यहाँ पे घर पे पहुँच गए हम और हमारे लिए आते ही खाना लग गया है और भाई आज के हमारे यहाँ पे होस्ट हैं। भाई आपका नाम इंट्रो बता दो। सुयोग पृथ्वी नाम से मुझे पहचानते लोग। सुयोग भाई है और ये इनकी वाइफ है श्वेता एडवोकेट श्वेता उन्होंने खाना बनाया है। अच्छा तो ये मेनू कैसा है? हाँ मेनू बताओ। नील फनस मतलब जैकफ्रूट जैसा आपको इधर कोकन गोवा में मिलता है छोटा सा उसके चिप्स जैसा कटलेट उसका कटलेट है मतलब वेज है पूरा। हाँ वेज वेज। और ये चौली बोलते हैं उसको चौली। ये तो राजमा जैसा है। हाँ, हाँ, उसका उसका करी है। हाँ, और ये वरन है अपना आमटी दाल ओके। और ये लोनसर स्टिकी राइस इसका क्या बोलते हैं पिकल ये तो पिकल हो गया। और ये जो राइस है उकड़ी का राइस है मतलब पिकल राइस ये और भाई के घर पे रुके और ये हमको हाईवे पे लेने भी आ गए थे और देखते हैं अब हम पहले ये वाला खाना खा लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा आसपास घूमेंगे। यहाँ के कोंकण में मेरे को बड़ा मजा आता है और खाना भी बहुत अच्छा होता है यहाँ का यार। चलो भाई अगला दिन हो गया है। कल हम पुणे से लेके सावंतवाड़ी यहाँ पे पहुंच गए थे। सावंतवाड़ी में ये बांदा नाम की जगह है और भाई के घर रुके थे हम कल रात। और यहाँ से अभी हम कुछ 7-8 किलोमीटर ही दूर जा रहे हैं 5-6 किलोमीटर दूर जा रहे हैं ओमनी वैन से। और बारिश यहाँ पे बहुत हो रही है। ये कोंकण एरिया है पूरा जो यहाँ के बाद 4 किलोमीटर बाद गोवा ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल महाराष्ट्र का एकदम साउथ बोलेंगे महाराष्ट्र का नॉर्थ साउथ महाराष्ट्र का साउथ महाराष्ट्र का लास्ट साउथ वेस्ट पता नहीं क्या छोड़ो जो भी है गोवा से टच हो रहा है सावंतवाड़ी पता होगा जो भी गोवा आएंगे उनको पता होगा सावंतवाड़ी नाम की जगह उसमें बांदा नाम की जगह है ये। तो यहाँ पे रुके हुए हैं पूरा एकदम गोवा जैसा ही दिखाई दे रहा है मेरे को तो ये गोवा ही लग रहा है। हाँ एक ही ये प्रिजर्व है क्योंकि इधर टूरिज्म नहीं है इसलिए अच्छा तरह से इधर प्रिजर्व हुआ है नेचरल वेल सब कुछ प्रिजर्व है। काफी नेचर काफी है और नदी वदी भी है यहाँ पे तो हम वही सब एक्सप्लोर करेंगे मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे फार्म हाउस घूमने आए हैं तो ये दिखा रहे हैं मैंगो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें दिखाई कॉफ़ी और पता नहीं क्या क्या। तो फार्म हाउस घूम रहे हैं हम यहाँ पे ये देखो भाई भारत यात्रा के ये मजे हैं। तू मेरे पास मत आ हट जा बस चल। चलो भाई अंदर चलते हैं खेत के घर में को सही नहीं लग रहा पर खेत के अंदर जाना ऐसे जूते वूते नहीं पहने ना सांप आएगा इसलिए। अरे जूते वूते नहीं पहने ना बाबा अभी देखो ट्रैक करके हम लोग ऊपर इनके थे कि हमने कॉफी बना के पी थी बहुत होता है। कौन सी कॉफी थी ये इसका नाम क्या अभी जो पिया मराठी में टाइकरा बोलते हैं टरोटा। अच्छा ये देखो ये इसकी कॉफी हमने पी अभी बहुत मस्त लग रहा है। गोबर गैस का वो भी है गोबर गैस राजगीरा का रोटी बनाते हैं। सोलर भी लगा है देखो वो सोलर लगा है उधर गोबर। ये देखो ये गाय मेरे को बार बार मार रही है यहाँ पे गौशाला है। हाँ ये लोग जा रहे हैं अंदर खेती में ये बार बार गुस्सा कर रही है मेरे ऊपर सबके ऊपर आ रहे हैं इसके पास। नहीं मेरे को नहीं आना ना बाबा ये देखो यहाँ पे देखो इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी रख रखे हैं अपने ये वॉलनट्स है शायद सुपारी और वो नारियल लग रहा है ऐसा तो नारियल हमने पड़े हुए श्रीलंका में भी देखे थे।
और ये चारा पड़ा हुआ है शायद जानवर का चारा। देखो ऊपर जी के लिए आपका ये सरस्वती नारियल इधर आती होती है, इसीलिए यूज होता है, बैठने का भी होता है इसपे। ये भी इधर से सब्जी काटते हैं। अच्छा, और इधर से नारियल ये करते हैं। ये देखो इसने छील छील के ये नारियल का ऐसा बना दिया, अंदर से व्हाइट वाला पूरा वो निकाल दिया। अब इस बूटे का क्या होएगा, इसका क्या होएगा? वो मतलब इसका जानवर को खिला सकते हैं या फिर कोई खाता है तो खा सकते हैं। ये नारियल इसको खाने में डालते हैं। अच्छा, नारियल का वो बनाते हैं ना वो क्या? ये देखो भाई सरस्वती कुछ बना रही है यहाँ पे। सरस्वती क्या बना रही है कुछ एक्सप्लेन? ये हम ये देखो ये आलू के पत्ते ऐसे हार्ट शेप के आते हैं, उसको हमने कटिंग करी है और ऐसे कटिंग करके इसके ऊपर बेलन चला दिया। और यहाँ पे कुछ मसाले, क्या क्या मसाले है इसमें? मसाले में बेसन, चावल का आटा, लाल तीखा, इधर देख, बताओ इधर, और इमली और गुड़ की पेस्ट, उन सब का मिक्सचर बना लिया, अब पेस्ट बना, उसमें थोड़ा धनिया जीरा और पाउडर, करी पत्ता का पाउडर बनाया है, अब इसके ऊपर अप्लाई करोगे? करना है, इसके ऊपर ऐसे पेस्ट करना है, मेरे भी वीडियो बना दी है, हाँ करूंगा, पहले ये वाला एक तो लगा के तो दिखाओ पहले। हमारे सामान भी रखे हुए, तो हम कोंकण में अभी यात्रा कर रहे हैं, हम कल चले थे पुणे से और हम बिल्कुल एकदम गोवा के, ये देखो मराठी भाषा में बोल रहे हैं, ये जो कल हम चले थे पुणे से और पुणे से और इधर है ना, अपने हस्बैंड को आहो बोलते हैं, आपके यहाँ पे हस्बैंड को कैसे बुलाते हैं वो भी बताओ? सुनो जी अच्छा, दिल्ली में बोलते हैं ऐसा, और बाकी के स्टेट में कैसा बोलते हैं? नहीं, यूपी में भी बोलते हैं, अजी सुनते हो ऐसा, सुनो जी। अच्छा, और स्टेट में क्या बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं सब? अब तो नाम लेने लग गए, सिटी में तो सब नाम लेती हैं लड़कियां अभी, अब है ना, हाँ सिटी में नाम लेते हैं अब तो। हमारे यहाँ भी नहीं लेते, लेकिन हम नहीं लेते, हमें अच्छा लगता है, किसी किसी को ऐसा बोलना अच्छा भी लगता अच्छा लगता है। चलो, दुनिया में कोई तो है जिसको आहो आहो बोले ऐसा है ना? तो वैसे आपके जीवन में आप इसको बोलते हो? अब इस पे अप्लाई करो ना, उस पे लगाओ ना, नहीं पानी मिलाना है। अच्छा, अभी रेडी नहीं हुआ, कट, ये भाई है देखो, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो और दिखाई दे, उनको वाइफ बोलेंगे, देखो उनको वाइफ बोलेंगे, इनको हस्बैंड बोलेंगे, क्या दिखाई दे रहा है व्यूअर्स को? तो बता रहा हूँ ना घर में कैसे कैसे वो है। तो ये दोनों रहते हैं यहाँ पे, रेंट में लेके रहते हैं सावंतवाड़ी में, ये बांदा नाम की जगह है गोवा से 4-5 किलोमीटर पहले, तो गोवा का बॉर्डर आ जाता है थोड़ी दूर आगे आगे जाके, हम गोवा में एंटर करने ही वाले हैं, तो हम यहाँ पे रुके थे, अभी वन नाइट हुआ है, आज हमारा सेकेंड नाइट हो जाएगा, तो हम ये खाना बना रहे हैं कोंकण में, देखो भाई मस्त, ये देखो पत्ते, इसको ब्रेकफास्ट में गिना जाता है, हाँ मतलब इवनिंग स्नैक्स खाते वक्त बनाते हैं, इवनिंग स्नैक्स खाने में बनाते बरोबर। अच्छा यार, पूरा बाहर देखोगे ना, बाहर नेचर ही नेचर है, अगर आपको विंडो से दिखाई दे रहा हो तो। चलो मैं आप बाहर थोड़ा सा दिखाई देता हूँ आपको कि बाहर कैसा है इनका, कैसी जगह पे घर है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये बालकनी में ये टंगे हुए हैं, ये ऐसे दिखाई देता है, आप दिखाता हूँ, यहाँ पे कुआं वगैरह भी है, ये देखो कुआं दिखाई दे रहा है आपको, वो देखो कुआं, एकदम कुएं पे भी वृक्षों ने कब्जा कर लिया, इतना नेचर है यहाँ पे, नेचर ही नेचर है, गोवा ही है ये बिल्कुल, मतलब गोवा अगर आप लोग आए हो तो आपको पता होगा, ऐसे ही घर होते हैं एकदम, मतलब जगह बहुत होती है, जैसे आप ये रहने का है तो यहाँ पे बरामदे में जगह बहुत सारी होगी, नेचर को पूरा, और देख रहे हो जैसे ये घर है ना, कमरा है, कमरे में विंडो और विंडो में वेंटिलेशन, बहुत अच्छा वेंटिलेशन, तो ये एक यहाँ के कोंकण के घरों की बहुत वो है कि आपको बहुत सारा नेचर और वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। इनका पेस्ट लगभग अब देखो रेडी हो गया है, तो अब ये पेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, करना नहीं इसको अभी टाइम लगेगा, मेरी भी ले लो एक शॉट। चलो इनका भी वीडियो बना देते हैं भाई, इनका इनका मोबाइल में अलग वीडियो बनता है, ये देखो इनका ये 15 है ना सिर्फ, मेरा प्रो मैक्स है, चलो बाय बाय, 15 है, मैं 2 महीने पहले लिया है, मेरा प्रो मैक्स है। ये देखो सरस्वती लगा रही है, ये देखो ऐसे एक एक पन्नों को ऐसे निकालना है
और उसको ऐसे ऊपर रख के उल्टा पहले मैं ही गलती करती थी। हाँ ठीक है, मैं सीख रही हूँ, गलती हो जाती है इंसान से। तो इसके ऊपर अब ये पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट में कौन कौन सा मिलाया था? राइस का, बेसन का, बताया तो था पिछले क्लिप में, बताया है। ये हर स्टेट में अपने अपने तरीके से इस हार्ट वाले पत्ते को बनाते हैं। हाँ, कहीं पे तो पत्ती उड़ बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पे बोलते हैं। पत्ती उड़ बोलते हैं, पत्ती उड़, हाँ ऐसा कुछ होता है। पतोड़ी डिश है ना, दिल्ली में बोलते हैं शायद, मैंने भी सुना है उधर। अभी इसको गोला करना है ना, रोल करेंगे, रोल एकदम टाइट रोल करते हैं ताकि वो खुल ना, टाइट टाइट लगे। हाँ, इसको ऐसे अंदर कर ले। हाँ, इसको वो, हाँ ठीक। कर सरस्वती, मुझे आता है थोड़ा थोड़ा और मैं थोड़ा थोड़ा सीख भी रही हूँ। हम भारत यात्रा में आपको क्या क्या दिखा रहे हैं, एकदम कल्चर। हाँ, सब कुछ हल्द प्योली ना, 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 एक रेडी हो गया कि आपने इसको हल्दी लगा के रख दिया। अब जैसे अगला, उसकी अगला रोल रेडी होगा। आप ये इस पर रखा तब तक ये काट के। ये देखो भाई, ये बनाया इसको, उसके रोल करके इसको पीस कर दिए थे, उसके बाद इसको फ्राई करते। ये तो कई जगह बनता है वैसे, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बताना। बढ़िया लग रहा है देखने में, तो मन कर रहा है जल्दी जल्दी खा जाऊँ। ये देखो कि कोंकण अगला दिन हो गया हमारा और हम निकल गए हैं यहाँ पे आगे अपने रास्ते पे। तो मैं आपको ये दिखा रहा था, यहाँ पे देखो ये सब्जियाँ ऐसे लगाते हैं, ये ऑर्गेनिक इनके यहाँ से उगी हुई सब्जियाँ होती हैं। तो ये यहाँ पे ले आते हैं थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ, भिंडियों को देखो कैसे बांध के रबर से, और ये यहाँ पे बेचते हैं। ये भिंडी का गुच्छा कितने का है? 10 का। 10 रुपये का एक? ओके, 10 का 5। ओके, तो ये ऑर्गेनिक के ये रेट होते हैं। ये देखो इन्होंने भी ऐसे लगा रखे हैं। क्या क्या लिया है इनका? 10 रुपए का एक भिंडी का वो बना कर, 10 की 5 भिंडी है मतलब। न्यूज़ वाले क्या क्या आन ले? भिंडी वाले से क्या है? ज्वार की फली। ये क्या है? ये क्या है? बनाना, बनाना का, बनाना का फ्लावर है ना, बनाना का फ्लावर है वो। बनाना का फ्लावर? अच्छा, बनाना का उधर देखा ना क्या क्या पोटस बिजनेस क्या क्या। ये तो देख लिया, केला है, कद्दू है, बीन्स है, बनाना फ्लावर, हाँ भिंडी है, और इधर की लोकल है लाल माट। लाल माट वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, तो ये देखो इस तरह से ऑर्गेनिक है सब, ऑर्गेनिक वाला ये बेच रहे हैं, इसीलिए थोड़ा महंगा लग रहा है, 10 रुपए की 5 भिंडी है। चलो सुयोग भाई ने हमें हाईवे पे छोड़ दिया था, और हाईवे पे एकदम तुरंत हमें इस वाली गाड़ी में भी लिफ्ट मिल गई है, और ये बैंगलोर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें गोवा में उतार देंगे शायद, देखते हैं। और अगर रास्ते में कहीं तक बना तो बैंगलोर जा रहे हैं। सरस्वती के लिए गाड़ी रोक दिया तुरंत, उन्होंने बोला मेरे से बात करना है। जानते हैं ना वो, तूने ये दिखाया भारत यात्रा का, जानते हैं सरस्वती को, सब जानते हैं भाई, सरस्वती का देख रखा मेरे को नहीं जानता था। इसके वायरल गए हैं भाई, एक वीडियो तो इसका 100 मिलियन तक गया है, वो मेरे चैनल पे है, लेकिन फेस इसका है, तो इसको सब जानते हैं, मेरे को नहीं जानते। बोलते आपका देखा है हमने, आपका देखा है हमने। हाँ बुरा तो लग रहा है भाई भाई यार, मेरे को कोई जानते नहीं, इसको देख के सब रखते, तो हमने देखा है आपका, हमने देखा। मुझे एक फैमिली ने लिफ्ट दी है। आप बोलते हो ना कि क्या इंडिया इतना सेफ है ट्रैवल करने के लिए, देखो फैमिली पूरी गाड़ी में, अभी मैं सावंतवाड़ी में हूँ, मतलब लगभग मंगलूर यहाँ से 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर कुछ होगा, उधर तक गाड़ी में जा रहे हैं। और इनको, इनसे पूछते हैं इनको सिक्योरिटी के बारे में क्या लगता है, ये वैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको पता होगा ज्यादा। ये देखो भाई, रास्ते में हम वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का, और गोवा में भाई जुलाई में मत आना भाई, बहुत तेज बारिश होती है। और मैंने एक गलती कर दी, जिसकी वजह से हम अभी खड़े हैं भाई, इतनी लोकेशन नहीं मांगी बंजी की, और हम अब वो अभी उसका आया नहीं रिप्लाई, तो चलो वो तो कोई बात नहीं, पर बारिश की वजह से हम उतना स्पीड से नहीं चल पा रहे, जैसे बारिश की वजह से हमें 1.5 घंटा रुकना पड़ गया यहाँ पे, वरना रुकते नहीं हम, पहुँच जाते हैं यहाँ पे। गोवा बहुत छोटा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं हम, तो वो दिक्कत ज़्यादा है, वो तो चलो हो जाएगा, पहुँच जाएंगे हम। तो अभी हमें भाई अंजुना में ये भाई सिंगापुर से हैं, तो ये हमको छोड़ने जा रहे हैं अभी, बोले हमें आपका हेल्प करता है हिचाइकिंग के लिए।